साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत प्रदेश के सभी प्रभारी मौजूद रहे। यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से हुई। 2019 में हारी हुई सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मास्टर प्लान बनाए गए। साथ ही इस बैठक में यह तय हुआ कि अमित शाह और जेपी नड्डा का प्रवास कार्यक्रम कहां कहां किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी बैठक की गई है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल की अगुवाई में बैठक की गई है। इस बैठक में बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। साथ ही इसमें चर्चा की गई है कि किन बूथों को हम कमजोर हैं, उस पर हम कैसे मजबूत होंगे। साथ ही जो लोकसभा पिछली बार हुआ, बात करें तो 2019 में, उसमें जो हारे हुए लोकसभा सीट हैं उसको कैसे अपने पाले में किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। साथ ही संगठन के अंदर में जो प्रदेश उपाध्यक्ष की सीट है, साथ ही साथ संगठन पे तमाम जो रिक्त पद हैं उसको लेकर नामों की चर्चा की गई है और बीजेपी जल्द ही इन नामों का ऐलान करेगी। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर भारत की राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो गई। नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को बहुमत मिला, वहीं त्रिपुरा के रुझानों में भी बीजेपी प्लस को बहुमत मिल गया। वहीं मेघालय के रुझानों में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। जीत से गदगद हुई बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में इस ऐतिहासिक जीत को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ पटाखे जलाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। जो पूर्वी भारत के विधानसभाओं के चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनादेश मिला है। त्रिपुरा में हमारी पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार बनाने का अवसर हम लोगों को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नागालैंड में भी हम गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और मेघालय में हमारी राजनीतिक शक्ति बढ़ी है। मैं सभी तीनों राज्यों के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक बार हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को दो राज्यों में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। यहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है। यहां पर जो पार्टी को जीत मिली है पूर्वोत्तर राज्यों में, दो राज्य हॉल है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पटाखे जलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस जीत से कहीं ना कहीं उत्साहित हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 के पहले विधानसभा चुनाव में अगर इस तरह के नतीजे आए तो निश्चित तौर से हम 2024 में जीतेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। बीजेपी कार्यालय में जहां एक तरफ पूर्वोत्तर राज्यों में आए नतीजों से खुशी का माहौल देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय जा पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षकों ने कहा कि उन्हें बीते 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब ऐसे में अपने बच्चों को पढ़ा पाना, परिवार चला पाना बेहद कठिन साबित हो रहा है। शिक्षकों ने कहा कि लगातार वे अपनी समस्या को लेकर संबंधित विभाग के डायरेक्टर और तमाम उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं, मगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। शिक्षकों का कहना है कि ये
भी कि कई सालों से शिक्षक एमएलसी चुनाव में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी पार्टी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। एक तरफ जहां पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जहां जश्न का माहौल है, वहीं बड़ी तादाद में शिक्षक बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। आप हमें ये बताएं कि किस मामले को लेकर आप यहां पहुंचे हैं, क्या आशा अपेक्षा लगाकर? बड़ी उम्मीदें हैं महाराज जी से। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हम लोग 8 महीने से वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हम इसी के लिए आदरणीय बंसल जी, क्योंकि यहाँ के संगठन मंत्री रहे, हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों के साथ कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जिससे आप बाहर जाएं। आज दुख इस बात का है कि बंसल जी यहाँ हैं भी नहीं और 8 महीने से हमारा वेतन बाधित है। तो मैं प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष जी से, संगठन मंत्री जी से सबसे मुलाकात करके यही निवेदन और प्रार्थना करने आया था। एक तरफ देखा जाए तो आप ध्यान केंद्रित करने आए हैं, जो तमाम शिक्षक आपके साथ हैं कितने की संख्या में हैं, और बात की जाए तो आप बता रहे हैं 8 महीने से सैलरी नहीं आई है। आप पूरे अपने नौकरी का डिजिग्नेशन के साथ बताएं। हमारा ये तदर्थ शिक्षक जो प्रभावित है 25 जनपदों में है और 8 महीने से हमको वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है, और हम उन परिस्थितियों में माध्यमिक विद्यालयों को सजाने संवारने का काम किए जब फिजिक्स का, इंग्लिश का और मैथ का टीचर रिटायर्ड होता था। तो ये जो सब शिक्षक आपके सामने खड़े हैं, उस विद्यालय में जब मैथ का शिक्षक रिटायर्ड होता था, उस समय बच्चे नाम कटा करके जा रहे थे, तो प्रबंधक ने हम लोगों को नियुक्त किया, और प्रबंधक के नियुक्ति के बाद उस विद्यालय को लगातार सजाने और संवारने का हम लोग काम करते रहे हैं। और 25 वर्षों से ज़्यादातर अध्यापकों की सर्विस 25 वर्ष हो गई है। कंटिन्यू हाई कोर्ट के आदेश पे हम लोग वेतन भी प्राप्त कर रहे थे। इधर विगत 8 महीने से हम लोगों का वेतन बाधित है, और उस चक्कर में हम लोग आए हैं। इन्हीं वेतन की बदौलत हमारे बच्चों की परवरिश होती है, और 80-90 साल के हो चुके हमारे बुजुर्ग माँ बाप, उनकी दवाइयाँ भी इन्हीं वेतन की बदौलत चलती है, और जो बड़ी बेटियाँ हो चुकी हैं, जो शादी के काबिल हो चुकी हैं, इन्हीं वेतन की बदौलत उनकी शादी की प्रत्याशा भी है। लेकिन आज की डेट में हमारे पास कोई, बहुत टीचर ऐसे हैं कि हाउस लोन भी ले चुके हैं, उनकी नीलामियां लग चुकी हैं। आदरणीय महाराज जी से हम प्रार्थना और निवेदन करना चाहते हैं, कौन सा ऐसा कारण है जब विषम परिस्थितियों में हम लोगों ने उसको, विद्यालय को सजाने संवारने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में चयन आयोग रन कर रहा है, तो इनको लग रहा है कि समय से शिक्षक अवेलेबल हो जा रहे हैं, लेकिन सपा बसपा की गवर्नमेंट में 3-3, 4-4 साल आयोग ही रन नहीं करता था। आज वर्तमान में भी आयोग रन नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो टीचर रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी जगह हम लोग पढ़ाने का काम किए, हम लोग उस विद्यालय को बचाने का काम किया, नहीं तो आज वहाँ छात्रों की दशा दिशा आप उनके जीवन में तय किए हैं, तमाम छात्रों को आपने दशा दिशा दी है। साथ ही कुछ ही समय के अंदर, यानी कि बीते अगले सप्ताह होली है, होली को लेकर क्या कहेंगे, कैसी रहेगी होली? आप समझदार हैं, आप दुनिया देखते हैं, आप समझ रहे होंगे अगर जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, आपको जैसे सैलरी ना मिले, तो आप कैसे अपनी होली मनाएंगे। तो हम लोग भी इसी स्थिति में हैं मेरे मित्र। आज की डेट में अगर किसान के घर का ना होता तो हमारे चूल्हे ना जलते। अगर चूल्हा मेरा होली के दिन जला, अगर पकवान बने नहीं, पकवान बन पाए, सादी रोटी ही बनी, अगर उसकी राख बचेगी तो उस राख से हम अपने आए हुए मेहमानों का आवाभगत करेंगे, उससे तिलक करेंगे और खुद भी उसी राख से तिलक लगाएंगे। अबीर गुलाल खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं हैं। आखिरी सवाल, आपकी विभाग की माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, क्या अपनी समस्याओं को माननीय मंत्री जी से के समक्ष आपने रखा है, उनके संज्ञान में है पूरा मामला? मेरे मित्र, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जिससे हम लोगों ने संपर्क नहीं किया, जिससे अनुनय विनय नहीं किया। गुलाबो देवी से हम लोग कम से कम 2500 बार मिल चुके हैं। वो बेचारी बताती हैं कि मैं असहाय हूँ, और वो मेरे जी बताती हैं मैं असहाय हूँ, और मेरे मामले से बहुत दर्वित हैं। वो कहती हैं कि मेरा अगर बस चलता तो आज ही आपका वेतन निर्गत करा देते। आपने गुहार लगाई कि सदन के पटल पे इसको रखा जाए, क्योंकि आज सदन का 10वां दिन है। सदन में हमारे शिक्षक, दर्जनों शिक्षक एमएलसी लगातार, अभी विधान परिषद के 5 दिन पहले लगातार हमारी बातें सदन में उठती रही हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय मोना जी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं, वो विधानसभा में लगाई और लगातार वहां आश्वासन भी मिल रहा है। उन्होंने जो है, गुलाबो देवी जी माननीय मंत्री जी हमारी हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि किसी का वेतन नहीं रोका जाएगा, सबको वेतन निर्गत कर दिया जाएगा। इसके पहले जब सदन चला था, और इधर भी उसके पहले आदरणीय केशव मौर्य जी ने भी दिया था। दुर्भाग्य इस बात का है, 51 साल हमारी उम्र हो रही है, पहली बार ऐसा देखा गया कि सदन में आश्वासन मंत्रियों के देने के बाद ऐसा कौन सा कारण है कि उत्तर प्रदेश के डीआईओ
इतने मजबूत और शक्तिशाली कैसे हैं कि वो तदर शिक्षकों का वेतन नहीं देते हैं, उनसे पूछना चाहिए। और वो जो आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कोई लिखित आदेश मिल जाए, बिना किसी लिखित आदेश के जब हमको हमारा वेतन रोकने को नहीं कहा गया, तो किस आदेश पे उन्होंने हमारा वेतन रोक रखा है। तो हमारे साथ राजमणि थे, जिनकी अगुवाई में अगर बात की जाए तो दर्जनों की संख्या में शिक्षक आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय आए थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे जो रुके हुए वेतन हैं उसे हमें दिया जाए, जिससे हमारी होली खुशहाल हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में हुई दो सामुदायिक विशेष से आने वाले दो युवकों की हत्या को लेकर प्रदर्शन किया। मालूम हो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में कुछ अज्ञात लोगों ने दो युवकों की हत्या कर दी थी। इसी मुद्दे को लेकर आजाद समाज पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही डीएम को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। अरे वो तो किडनैप करके जो मारने काम किया है और मार के जो है उनको जलाने काम किया, उसे मिटाने के भी काम किया, उसकी गिरफ्तारी को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आजाद समाज पार्टी बीमारी कार्यकर्ता। क्योंकि जो है राजस्थान में आए दिनों जो है नई नई घटनाएं होती रहती हैं, दलित को जो है मुझे रखने पर जो है मारा जाता है, उसकी बारात नहीं निकलने दी जाती है और मुस्लिम भाई गोरक्षा के नाम मारा जाता है, इसके पहले अखिलाफ जी को मारा गया। क्या यही है क्या देश में संविधान आज खत्म करने वाले हैं क्या लोग? हमारा मतलब ये है कि इस देश में जो है संविधान का राज है, संविधान का राज चलेगा। और कोई संगठन और कोई अगर दल चाहता है कि अपने इच्छा अनुसार अगर मनुस्मृति के हिसाब से अगर देश चलाएंगे, वो अपनी जो है मनुस्मृति अपने पास रख के और उसको औकात दिलाने का काम बीमार में जा समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। लखनऊ में फिल्मी अंदाज में रोडवेज का ड्राइवर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ड्राइवर के टावर पर चढ़ने की जानकारी होने पर वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग की टीम द्वारा उतारने की कोशिश की गई ड्राइवर को, लेकिन सोनू सैनी नहीं उतरा। घटना के कुछ देर बाद डीएम सूरपाल गंगवार और आरएम संजय कुमार, ADCP वेस्ट CN सिंह समेत SDRF के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और मौके पर मौजूद RM संजय कुमार ने ड्राइवर राजू सैनी से मोबाइल पर बात की और उसे आश्वासन दिया कि जो भी जायज मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। ड्राइवर राजू से बात करने पर पता चला कि पिछले कई महीनों से उसको वेतन नहीं मिला है और मिलने वाले वेतन पर भी विभाग द्वारा कटौती की जा रही है। इस क्रम में जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया सभी संविदा कर्मियों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रहा। अरे सारे इन्होंने मट्टी खराब कर रखी सब ड्राइवरों की, हर ड्राइवरों की अवैध तरीका से कटौती करते हैं। अरे जायज कटौती तो समझ में आती है, बगैर बात की कटौती होती है, जबरन दोषी बनाते हैं। क्या करेंगे जब बच्चे दो दो साल से फीस जमा नहीं हुई, क्या करूंगा फिर मैं, बताइए आप। यह सिस्टम बिल्कुल बेकार कर रखा है इन्होंने। यूपी रोडवेज का संविदा कर्मी चालक आज सुबह तकरीबन 100 फुट के लंबे टावर में चढ़ जाता है और इस वक्त तकरीबन 12 से 1 बजे हैं। यहाँ पर तमाम जो जिले के अधिकारी हैं, DM भी पहुँचे हैं, MD साहब भी पहुँचे हैं और यहाँ पे फायर फाइटर भी पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हाइड्रोलिक क्रेन के ज़रिए उतारा जा रहा है चालक राजू को। उसकी कुछ मांगे थी, वो सुबह से तकरीबन 7 से 8 बजे से यहाँ पर चढ़ा हुआ था। ये तकरीबन 100 फुट ऊँचा टावर है और उसके बाद MD साहब संजय कुमार ने इनसे बात करी, राजू से जो चढ़ा हुआ है, और उसके बाद उनके आश्वासन पे यहाँ पर राजू माना है और फिलहाल यहाँ पर फायर फाइटर की मदद से, हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से उसे उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर क्रेन यहाँ पहुँच चुकी है फिलहाल टावर की ऊँचाइयों पर और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो फायर कर्मी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, किसी भी तरह अप्रिय घटना ना हो पाए। और राजू की कुछ मांगे थी, शायद बहाली की कोई मांगे रही हों या फिर पक्का करने की कुछ मांगे रही होंगी। आप देख सकते हैं किस तरह एकदम सावधानी पूर्वक राजू को उतारा जा रहा है, क्योंकि राजू सुबह से ही बैग लेके, पानी लेके, खाना लेकर यहाँ पर पहुँच गया था, उसकी कुछ मांगे थी। अलीगढ़ डिपो का राजू चालक है, यहाँ पर देखिए किस तरह से उसे बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर उतारा जा रहा है। फिलहाल राजू अब मान गया है आने को, उसने बैग भी रखा है और
वो अब उसे उतारा जा रहा है, उसे सुरक्षित यहाँ पर लाया जाएगा। आप किस तरह से देख सकते हैं कि बहुत एक बड़ी घटना हो सकती थी अगर फायर कर्मी या फिर सुरक्षा कर्मी अगर अलर्ट ना रहते, लेकिन अब देखिए सुरक्षा कर्मी ने उसे पकड़ा है, वहाँ से ला रहे हैं उसे बहुत बेहतर तरीके से, हाइड्रोलिक क्रेन उसे बैठा लिया गया है और सकुशल उसे लाया गया है। अब जब वो नीचे आएगा तो उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसकी मुख्य मांगे रही, जो उसे लग तकरीबन 100 फुट ऊँचे टावर में चढ़ने की ज़रूरत थी, वो भी भीषण गर्मी है, तकरीबन 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब इसे यहाँ से उतारा जाएगा हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से, उसकी माता जी भी यहाँ पहुँची थी। आप देखिए राजू को यहाँ से बैठा लिया गया है क्रेन में, अब क्रेन सकुशल बेहतर तरीके से अब धीरे धीरे से उतरेगी और फायर फाइटर के जो जवान हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, कि किसी भी SDRF के भी जवान मौजूद हैं, किसी भी अप्रिय घटना ना होने पाए इस वजह से यहाँ पर भारी तांता लगा है। पुलिस बल सुबह से मौजूद है और यहाँ पर DM सूरपाल गंगवार और जो MD हैं परिवहन संजय कुमार भी यहाँ मौजूद थे और तमाम जो बड़े आला अधिकारी ADCP वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा भी यहाँ पर आए थे। फिलहाल फायर फाइटर की मदद से, फायर क्रेन की मदद से, हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से राजू को सकुशल उतार लिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस का जमावड़ा है और सुरक्षाकर्मी भी हम मौजूद हैं, SDRF की टीम भी मौजूद है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो पाए, कि जो ऊपर चढ़ा जो चालक है राजू उसके साथ कोई ऐसी घटना ना हो पाए कि उसे दिक्कत आए, फिर नुकसान आए या फिर उसके हादसे में किसी भी हादसे में उसे अपनी जान गंवानी पड़े या फिर ऐसा कुछ हो। कि देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर SDRF की टीम है, अब इंतज़ार कर रही है राजू का उतरने का। हम दिखा सकते हैं कि एक बार देखिए फिर से कि यहाँ पर क्रेन की मदद से किस तरह से राजू को उतारा जा रहा है, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, सुगम तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है SDRF की टीम भी लगी थी यहाँ पर, स्थानीय पुलिस भी थी और जो वेस्ट जोन लगता है उसकी पुलिस भी थी, उसके ADCP वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा भी थे यहाँ पर, सूरपाल गंगवार मौजूद थे यहाँ पर, DM, उसके बाद यहाँ पर जो MD हैं संजय कुमार वो भी यहाँ मौजूद थे। कुल मिला के यहाँ पर बड़े बड़े आला अधिकारियों का तांता लगा हुआ था और देख सकते हैं किस तरह से अब क्रेन धीरे धीरे आ रही है, किस तरह से उतारा जा रहा है। फिलहाल राजू से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके मुख्य मांगे हैं जो उसे इतने 100 फुट ऊँचे टावर में चढ़ना पड़ा, क्योंकि सुबह से वो चढ़ा था, उसकी मांगे शायद ये थी कि उसे उसकी बहाली कर उसे पक्का किया जाए, संविदा कर्मी से हटा कर उसे पक्का किया जाए, लेकिन शायद उसकी मांगों को लेकर प्रशासन अब तक सुन नहीं रहा था, इस वजह से वो चढ़ा होगा। MD संजय कुमार ने उससे बात करी थी। फिलहाल राजू को नीचे लाया जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे हाइड्रोलिक क्रेन को नीचे उतारा जा रहा है और सुरक्षा कर्मियों द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से स्पेस बना लिया गया है कि कोई ऐसी घटना ना हो कि जैसे जनहानि को नुकसान पहुँचे। यहाँ पे जस्ट सामने वकील हाईकोर्ट है तो यहाँ वकीलों का भी तांता लगा हुआ है और अब राजू को लाया जा रहा है बहुत बेहतर तरीके से। फिलहाल राजू को सकुशल उतारा जा रहा है जो चालक है, अब उसकी मांगे क्या थी ये तो देखने वाली बात है और कोशिश ये भी करेंगे कि MD साहब से भी बात करें, MD संजय कुमार से भी बात करें और DM सूरपाल गंगवार से भी बात करें। फिलहाल बहुत बेहतर तरीके से राजू को उतारा जा रहा है और देख सकते हैं किस तरह से अब राजू को उतार के लाया जा रहा है यहाँ पर। और फिलहाल कुल मिला के फायर फाइटर्स और जो SDRF की टीम है उन्होंने सकुशल राजू को उतार दिया है। आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक क्रेन नीचे आ चुकी है और यहाँ पर सकुशल इसे लाया जा रहा है और अब इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर CFO मंगेश कुमार भी मौजूद हैं हाइड्रोलिक क्रेन में और उसके बाद फायर फाइटर्स के जवान भी मौजूद हैं। अब ये फिलहाल राजू को उतार लिया गया है, उसकी स्वास्थ्य जो है बेहतर दिखाई दे रही है, बैग वग लेके चढ़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस बल ने घेर लिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर राजू को उतार के जो चालक है उसको उतार के सकुशल लाया जा रहा है। SDRF के जवान हैं, CFO मंगेश कुमार हैं और तमाम लोग हैं, तमाम पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर, ADCP वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा भी हैं और यहाँ पर जो चालक है जो अभी उतार के लाया गया है सुबह से ही ये चढ़ा हुआ था, फिलहाल अभी इसे सकुशल उतार के लाया गया है और बहुत ही अच्छा कार्य है फायर फाइटर द्वारा, SDRF की टीम द्वारा कि इसे सकुशल लाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल
इसे लेके जा रहा है, क्योंकि सुबह से ही राजू जो है चालक जो है वो चढ़ा हुआ था। तकरीबन 100 से 120 फीट टावर की लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, और बैग भी लेके था, जैकेट वैकेट सब पूरी तैयारी से था कुल मिला के। जी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सकुशल लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट भी है तो वकीलों का तांता भी लगा हुआ है, भीड़ भी है तमाम, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, तो इस वजह से यहाँ पर शायद कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से टीमें सुबह से ही लग गई थी। और सुबह से ही, इससे पहले भी प्राइम टीवी ने लगातार ये खबरें दिखाई हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ले जाया जा रहा है, इसे सकुशल ले जाया जा रहा है। फिलहाल अब इसकी मांगें पूछी जाएंगी, क्या डिमांड थी, क्या वजह थी कि इसे तकरीबन 100 से 120 फीट टावर में चढ़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।